हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 12 मिजोर ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मिजोर ऑफ लेंथ पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग मिजोर ऑफ मास पढ़ेंगे। तो हम मास का मिजोर किस किस चीज़ का करते हैं, जैसे राइस, पर्ल्स, एप्पल, ओनियन, ईटीसी, ऐसे जो पदार्थ हैं इनका हम मास मेजर करते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, इन सब चीज़ों का हम मास मेजर करते हैं। तो मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। क्योंकि जब हम टमाटो लेते हैं तो किलोग्राम में, राइस किलोग्राम में लेते हैं, तो इसलिए मास की जो यूनिट होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। हम कभी कभी 500 ग्राम भी लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। तो यदि आपको ऑप्शन में कहीं किलोग्राम नहीं रहता है तो आप ग्राम लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किलोग्राम ही होती है। यहाँ पे आपका ग्राम दिया हुआ है, लेकिन जो मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किलोग्राम ही होती है। हम किलोग्राम में ही सब कुछ खरीदते हैं, चाहे राइस हुआ, पल्स हुआ, चाहे एप्पल हुआ, ऑनियन हुआ, तो ये सब चीज़ें हम लोग किलोग्राम में ही खरीदते हैं। इसलिए मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है। कहीं कहीं पे ग्राम भी दिया रहता है, तो ऑप्शन में यदि किलोग्राम नहीं है तब आप ग्राम लगा सकते हो। तो मास को मेजर करने की और कौन कौन सी यूनिट है, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो मास मेजर करने की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मिलीग्राम है, जो यहाँ पे है। तो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। 100 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम इज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम, ये डेकाग्राम है, डेकाग्राम को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये डेकाग्राम हम लिखते हैं, और डेसीग्राम लिखते हैं ऐसे, डेसी और ग्राम। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डेकाग्राम है, ये डेसीग्राम है। तो 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम होता है, और 1 डेसीग्राम में, 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम होता है। और 1/10 ग्राम को हम पॉइंट में कैसे लिखते हैं, तो यही जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 1/10 है, जैसे 1/10 है, तो इसको हमको पॉइंट में लिखना है। तो ऊपर 1 लिखा है तो 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, नीचे कितने 0 हैं, 1 0 है, तो 1 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो इधर से 1 नंबर के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए, तो ये हो गया, ये भी 1/10 ग्राम मीन्स होगा 0.1 ग्राम, या आप इसको 0.1 ग्राम भी कह सकते हैं। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम, 1/100 ग्राम को पॉइंट में हम कैसे लिखते हैं, 0.01
जैसे यहाँ पे 1/100 ग्राम है, इसको पॉइंट में हमें लिखना है, तो 1 ऊपर है तो 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे 2 जीरो है तो हमारे पास नंबर एक ही है, तो इधर ही से हम पॉइंट काउंट करते हैं, तो 1 नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर नहीं है, तो ये नंबर लिख के यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो इसको हम लोग 1/100 ग्राम को 0.01 ग्राम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, तो 1/1000 ग्राम, तो उसी तरह इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.001 ग्राम हो जाता है। इस तरह ये मास की यूनिट हैं ये सब, जिस तरह लेंथ की यूनिट में हम होती है उसी तरह ये मास की भी यूनिट होती है, बस यहाँ पे जहाँ पे हम मीटर लगाते हैं वहाँ पे इसमें हम ग्राम लगा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो एक आप कर लोगे तो दूसरा वाला भी आपको, यदि मीटर का यूनिट आपको पता है लेंथ की, तो आप मास की यूनिट भी आसानी से लर्न कर सकते हो, बता सकते हो, तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे यूनिट को।